जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। वह सोचने लगा क्या करूं, कैसे उस नंद के पुत्र को मैं मार सकता हूं। उसे संदेह है कि कहीं वसुदेव का पुत्र यही है, तो आज अपने मंत्रियों के साथ बैठा मंत्रणा करने लगा। मुष्टिक और चाणूर है कहने लगे, महाराज अगर तो आप उस बालक को मथुरा बुला दोगे तो यहाँ हम उसे दो दो हाथ कर लेंगे। तो कंस सोचने लगा कि कैसे बुलाऊं। तो सभी मंत्रियों ने कहा कि तुम यहाँ पर कोई यज्ञ करवाओ, कोई मेला आयोजित करो, ब्रजवासियों को भी बुलाना और कृष्ण को भी बुलाना, उसका जो दूसरा भाई बलदेव है उसको भी बुलाना। अब कंस ने ऐसा किया, अपने जो उनके विश्वस्त महामंत्री हैं अक्रूर जी को बुलाया। गच्छ नंद ब्रजस्तत्र सुतम आनक दुंदुभि आसदेता विहाने न रथम आनय माचिरम। अक्रूर जी से कहने लगा, अक्रूर तुम जाना, ब्रजवासियों को भी बुलाना, वृंदावन वासियों को सभी को, और उन कृष्ण और बलदेव को बुलाना। अक्रूर भगवान के परम भक्त हैं, कितने ही समय से भगवान की रक्षा के लिए तरह तरह के कार्य करते रहते हैं कि उन बाल कृष्ण को कोई आंच ना आए। और आज मन ही मन सोच रहे हैं कि आज कंस ने अगर कोई सेवा सौंपी भी, वो भी अपने प्रभु को एक दुष्ट में हाथ देने की सेवा सौंपी। देखो विधाता की ये कैसी माया, अगर राजा ने कोई कार्य दिया तो इतना निष्ठुर, कैसे अपने भगवान को सौंप दूंगा इस दुष्ट कंस के हाथ। रथ में बांधने लगे, सोच यही रहे हैं क्या मैंने ऐसा कार्य किया होगा पुण्य कर्म जो आज भगवान श्याम सुंदर के दर्शन होंगे। रथ पर बैठ गए हैं, रथ और रस्सियां हाथ में पकड़ी हैं, इतने विचारों में निमग्न हो गए, रथ की रस्सियां हाथों में पकड़ी हैं, रथ खड़े का खड़ा। जब चेतना आई तब सोचने लगी, अरे मैं तो अभी तक यही हूं, दो तीन घंटे में मथुरा से वृंदावन पहुंच सकते हैं। लेकिन अक्रूर जी सुबह चले, सायंकाल होने को, मन ही मन ये विचार कर रहे कि वो श्याम सुंदर क्या मुझे पहचानेंगे। मन में सोच रहे हैं क्या वो श्याम सुंदर मेरी तरफ हंसेंगे, और कंस के बाल खींच करके कंस को उसके सिंहासन से नीचे फेंक दिया, उतार दिया। कंस युद्ध करना चाहता है लेकिन भगवान के सामने उसकी एक भी नहीं चली, और मेरे प्रभु ने देखते देखते बहुत हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं सभा में, ब्रजवासी भी बैठे, नंद आदि तो घबरा गए कि कहीं कन्हैया को कोई क्षति ना कंस पहुंचा दे। देखते देखते मेरे प्रभु ने कंस को मार दिया। सभा के अंदर कन्हैया की जय जयकार होने लगी कृष्ण बलदेव। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आज भगवान ने कंस के पापों से सारी सृष्टि की रक्षा की। कितना दुष्ट कंस था, छोटे छोटे बालकों को मारता, देवकी मैया के 6 पुत्र मार दिए, संत महात्माओं को प्रताड़ित करता, लेकिन भगवान ने देखते देखते पूरे संसार को एक प्रसन्नता प्रदान की कंस को मार करके। पूरे विश्व पर राजा बनने का हमारा काम नहीं, उग्रसेन राजा बने हैं। अब कन्हैया का यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ, कृष्ण और बलदेव के यज्ञ पवित्र संस्कार के बाद उज्जैन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या प्राप्त करने के लिए भेजा गया। भागवत जी में कहा कि 64 दिनों तक ही भगवान गुरुकुल में रहे, और 64 दिनों में ही 64 प्रकार की सारी विद्याएं उन्होंने प्राप्त की। गुरु पुत्र को गुरु दक्षिणा के रूप में, गुरु का पुत्र समुद्र में समा गया था जो कि मर गया था, तो भगवान यमपुरी जा करके अपने गुरु के पुत्र को वापस लाते हैं। बोल भक्त वत्स।
की जय। अब कृष्ण और बलदेव मथुरा में रहते, ब्रजवासी बेचारे बहुत दुखी रहते। यशोदा मैया तो इतनी दुखी रहती कि हमेशा रोती रहती। सभी ब्रजवासी रोते रहते और कन्हैया को भी उन ब्रजवासियों की बहुत याद आती। मथुरा में रहती जरूर, याद हमेशा ब्रजवासियों की ही रहती। मुझे ब्रजवासियों की बहुत याद आती, ब्रजवासियों की याद जब मुझे आती तो रोना आ ही जाता है। भूल भक्त वत्सल भगवान की चरणों की सेवा करने लगे। तो इसी सुंदर भाव को अपने मन में लेते हुए आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देंगे। आज कथा में समय कुछ अधिक हो गया, उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर समय में किसी को देरी हो गई होगी तो मन में मेरे प्रति कोई गांठ लेकर मत जाना, यही गांठ देना, मैं सुन लूंगा। सभी लोग भक्ति पूर्वक आरती करेंगे, पंक्तिबद्ध रूप से आशीर्वाद लेने आएंगे। और कल कथा का विश्राम दिवस है, जो आज तक कथा ना सुन पाए हो कल के दिन की कथा सुनने से उन्हें पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की यह आरती। पापियों को पाप से है तारती, अपने गलतिया दुखी मंतिया पंचम भेद निराला, सब ज्योति जगा देवाना। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। श्री राम ही घनश्याम ही, श्री राम ही घनश्याम ही, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवती बोल जगवती खोल सर्वार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवती खोल सर्वार्ग दिखाने वाला, यह बजरी बोल जगबंदी खोल सर्वार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह बजरी बोल जगबंदी खोल सर्वार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। है ज्ञान यही है धाम यही, है ज्ञान यही है धाम यही, यह प्रभु चरणों की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती, यशोति दीप सावन के गीत संताप मिटाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। यशोति दीप सावन के गीत संताप मिटाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने के गीत संताप मिटाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। शांति दीप सावन के गीत संताप मिटाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। है ब्रह्म यही परब्रह्म यही, है ब्रह्म यही परब्रह्म यही, है ब्रह्म यही है ब्रह्म यही, है ब्रह्म यही परब्रह्म यही, यह जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की यह आरती। पापियों को पाप से है तारती, कृष्ण भक्ति अप्पा की शक्ति अमृत सिखाने वाला, भक्ति जगा।
पुकारे वाला। यह कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति, यह प्रीति सिखाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति, यह प्रीति सिखाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। यह कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति, यह प्रीति सिखाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। हनुमान यही पहला यही, हनुमान यही पहला यही, हनुमान यही पहला यही। पापियों को पास से है पार्वती। जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, जय नारायण। Ah!